जिला भागलपुर में ही नहीं, मैं जान देता पूरे बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो भी जनता की अपेक्षाएं वो सारा काम होगा और भागलपुर शहर पूरे बिहार में सबसे सुंदर शहर बन के देखा मैंने कार्यकर्ता और जनता का, मैं तहे दिल से आपने मेरा हिम्मत अफजाई की है, इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके सम्मान को और प्रतिष्ठा को पूरी जनता को बिहार में उठाने का काम किया है, बिहार विधानसभा में यह बताने का काम किया है। सिर्फ अजीत शर्मा ईमानदार नहीं है, भागलपुर की जनता सभी भाई बहन और भूलकर के भाइयों के लिए भी जो सिर्फ उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था, आप जानिए बुनकर लोग की क्या हालत है, भूखे मर रहे हैं, उनको जो मजदूरी मिलती है, जो लागत होता है वो भी नहीं मिलता। आपको बता रहे इस बार सरकार मेरी बनेगी और एक एक बुनकर के लिए राहत पैकेज, नई तकनीकी मशीन और इस शिल्प उद्योग को पूरे विश्व में स्थापित करेंगे और भागलपुर सर रेखी नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा, इस बात का विश्वास रखेगा। मार्च की सरकार मेरी होगी तो युवकों के लिए इंडस्ट्री का जाल बिछा कर उनको नौकरी दिलाने का काम करेगा, इस बात का विश्वास। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, हर वार्ड में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग खोलने का काम करेंगे ताकि सभी महिलाएं को रोजगार मिल सके। उसको चलाने के लिए सरकार से राहत पैकेज, उसको पैसा दिलवाने का काम ताकि वो लघु उद्योग कुटीर उद्योग खोले। जो आप बेच सकेंगे तो आप बेचिएगा, जो नहीं बिकेगा वो सरकार खरीदेगी ताकि उसका पैसा आपको मिले और आपका घर आसानी से चल सके। इस बार सरकार मेरी बनने दीजिए, यहाँ पर सदर अस्पताल में 50 आईसीयू बेड इसका निर्माण करेंगे। भागलपुर अस्पताल में कोविड के साथ हम लोग को जीना है, कोरोना के साथ, इसलिए वहाँ पे 100 बेड का अलग से अस्पताल बनाएंगे, जहाँ की कोई भी कोरोना का महामारी से इलाज हो सके। मैं प्रयास करूंगा भागलपुर मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल एम्स बने, एम्स का दर्जा दिला के यहाँ भी एम्स की स्थापना करने का आपके कागज का प्रयास करूंगा। कोरोना महामारी में गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, दिन दहाड़ी मजदूर करने वाले लोग भूखे रहे हैं, भूखे प्यासे रहे हैं। कोरोना महामारी से, कोरोना बीमारी से तो कम, लेकिन भूखे प्यासे हमारे भाई बहन बहुत लोग मरे हैं। इस बार की सरकार मेरी बनती है और आप मुझे पुनः जिताते हैं, एक भी भाई बहन गरीब जरूरतमंद कोई भूखा नहीं रहेगा, सरकार उसको बात फैकेट है। नामांकन में जो उत्साह दिखाया आप लोगों ने, जो हिम्मत मेरी अफजाई की है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और सबको नमस्कार करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। यही हिम्मत हमको देते रहिए आगे भी। 3 नवंबर को सबसे पहले माता बहने